जहांगीरपुर फुटबॉल महाकुंभ की विजेता बनी टीम नांगल ठाकरान दिल्ली, जिसके साथ हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं विनर की प्रथम ट्रॉफी के साथ ये वो होनहार खिलाड़ी हैं जिन्होंने जहांगीरपुर का यह फुटबॉल महाकुंभ जीता है 1,00,000 रुपए नगद इनाम के साथ। बात करना चाहेंगे युवा खिलाड़ी से। आपका क्या नाम है जी? बसंत। बसंत जी, कैसा लग रहा है आपको आज आपने फुटबॉल का महाकुंभ जीता है, 1,00,000 रुपए नगद और ट्रॉफी, क्या कहना चाहेंगे? सर, पहले तो बहुत खुशी हो रही है कि मतलब हम यहाँ पे, वैसे सेकंड टाइम चैंपियन है, फर्स्ट टाइम हम किसी और क्लब से थे जी, लेकिन इस बार जो हमारा फ्रेंड सर्कल था वो सारा दिल्ली का ही था, पिछली बार गाँव का था जी। और ये सारे अच्छे और ये भाई सपोर्ट करते हैं और गाँव वालों ने बहुत सपोर्ट किया है कि मतलब हम खेलने के लिए, और कुछ मिस्टेक हो जाती है रेफरियों से भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारे गांव वालों ने बहुत सपोर्ट किया, हम कोशिश करें हर साल आने की। वेरी गुड। और ग्राउंड यहाँ का बहुत अच्छा था जी। और देखिए यहाँ पर खिलाड़ी खुश नजर आ रहे हैं। फाइनल में पहुंचने वाली यह टीम है जिसने इस टूर्नामेंट को जीता है, प्रथम इनाम जीता है, कह रहे हैं अगले साल होने वाले टूर्नामेंट में भी अवश्य शिरकत करेंगे। ग्रीनी ग्राउंड की तारीफ की जा रही है यहाँ निष्पक्ष आयोजन को लेकर के, जिस प्रकार से यहाँ देश की सर्वश्रेष्ठ 32 टीमों को चुना गया था इस टूर्नामेंट में। हम आपको बता दें कि देश, पूरे भारत प्रदेश देश से यहाँ एंट्रियाँ पहुंची थी, जैसा हमें बताया गया, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जितनी भी टीमें यहाँ पहुंची थी उनमें से 32 श्रेष्ठ टीमों को चुनकर के यह प्रतियोगिता आयोजित कराई गई थी, जिसकी विजेता बनी है यह नांगल ठाकरान की टीम। आप देख सकते हैं यह फर्स्ट ट्रॉफी के विनर के साथ यह पूरी नांगल ठाकरान की टीम यहां पर मौजूद है, जो इस पूरे टूर्नामेंट के आयोजन से लेकर के खुश नजर आ रही है, गदगद नजर आ रही है।